हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखो, ऑलरेडी आम गैसीय स्टेट थ्योरी क्लास कंप्लीट कर सारी। जदि आपर्त थ्योरी क्लास वीडियो देखी ना, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप चैनल पर विजिट कर आप गैसीय स्टेट थ्योरी क्लास को फर्स्ट ऑफ ऑल देखी निंतुँ, कि आपंकर जितकी भी गैसीय स्टेट इंपोर्टेंट रूल आउ फॉर्मूला सब अच्छी, सो आप जापरेंगे। देन आम एमसीक्यू क्वेश्चन जो आप करेंगे आपको इजी हम बुझापी। सो आज देखो, आज वीडियो आम टॉप 20 एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन करवा गैसीय स्टेट। सो वीडियो को आप कंप्लीटली देखिए, वीडियो को गोटे लाइक करने सांग सहित शेयर करने को जमा ही भूलें। सो फ्रेंड्स लेट अस स्टार्ट। फ्रेंड्स देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन नंबर वन देला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए गैस। सो आभर क्यों एलिमेंट गोटे गैस नुहे, हाइड्रोजन आप जानते हाइड्रोजन गोटे गैस। देन आपको देखिए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो समस्त जानते गैस। देन आप नाइट्रोजन जानते, नाइट्रोजन गोटे गैस जोटा कि आप एटमॉस्फेयर अधिक क्वांटिटी अच्छे। देन आप जानते मर्क्यूरी आप गोटे गैस नुहे, मर्क्यूरी गोटे गैस नुहे। सो यहाँ हो राइट आंसर। सो मर्क्यूरी हूँ गोटे मेटल जोटा कि आप कौन ना लिक्विड स्टेट था एट रूम टेम्परेचर। मन रहा मर्क्यूरी हूँ गोटे आपर कौन ना गोटे हूँ मेटल जोटा कि आपंकर कौन ना रूम टेम्परेचर गैसीय स्टेट थाए। सो आर राइट आंसर है कौन ना ऑप्शन नंबर सी मर्क्यूरी करेक्ट आंसर। मन रहा दे नेक्स्ट को आसवा, नेक्स्ट आपको देला जो क्वेश्चन नंबर आप टू। सो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गैस लॉ। सो आप क्यों गोटे गैस लॉ नुह। सो गैस लॉ आप जानते आम ऑलरेडी थ्योरी क्लास में पढ़ी सारे। गैस लॉ आम फास्ट कौन पढ़ते ना आपंकर गैस लॉ कहे फास्ट आम पढ़ते बॉयल्स लॉ। फास्ट फास्ट कौन पढ़ते बॉयल्स लॉ पढ़ते। देन कौन पढ़ते ना देन पढ़ते चार्ल्स लॉ। देन चार्ल्स लॉ पढ़ते। देन पढ़ते कौन ना देन अवोगाड्रोस लॉ पढ़ते पढ़ते ना ना। देन आप कौन पढ़ते देन पढ़ते आम गैलुसाक्स लॉ पढ़ते गैलुसाक्स लॉ पढ़ते। देन आम डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर पढ़ते। देन आम आइडियल गैस लॉ पढ़ते आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ते। सो आ भितर देखूँ बॉयल्स लॉ आप जानते गैस लॉ, चार्ल्स लॉ भी जानते, देन आप गैलुसाक्स लॉ भी जानते, किंतु ये जो हुक्स लॉ रहा यहाँ आपर हुक्स लॉटा बेस्ट करे क्या ना इलास्टिसिटी उपरे का उपरे इलास्टिसिटी जो आप इलास्टिक प्रॉपर्टी उपरे बेस्ट करे हुक्स लॉ। सो हुक्स लॉ गोटे गैस लॉ नुहे, यहाँ आप गोटे इलास्टिसिटी गोटे आप मैंने लॉटा सोटा इलास्टिक प्रॉपर्टी उपरे रही। देन नेक्स्ट को आसतु, नेक्स्ट आपको देला देखु आप देखु जो रहा देखते ये लिखाई आप जोटा गैलुसाक्स लॉ रहा आप प्रेशर टेम्परेचर भितर रिलेशनशिप आमको देखाए जोटा कि हूँ पी वन बाय टी वन जोटा आप जानते पी वन बाय टी वन इक्वल टू पी टू बाय टी टू। देन हुक्स लॉ ये हुक्स लॉ इज ए लॉ दैट इज इन फिजिक्स रिलेटिंग टू द स्ट्रेस। स्ट्रेस मीनस आप जो इलास्टिसिटी पार्ट रे आप रोज स्ट्रेस स्ट्रेन जोटा कि डिफर्मिंग फोर्स युवा आप रोज से फिजिक्स रो। देन नेक्स्ट को आसतु, नेक्स्ट आपको देला व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर अप्रोक्सीमेटली। सो आम जो एटमॉस्फेयर रे आपंकर नाइट्रोजन सबुठ क्वांटिटी अधिक अच्छी। सो पचार आप्रोक्सीमेट केते परसेंटेज अच्छे समस्त जानते पाखापाखि 78% अच्छी। सो राइट आंसर देखते हो ऑप्शन ए 78.09% अच्छी आप नाइट्रोजन। 21% कथा जी कह 21% आप्रोक्सीमेटली आप ऑक्सीजन अच्छी मन रही। देन नेक्स्ट को आसतु, सो देखते आप नाइट्रोजन के नाइट्रोजन है 78.09%। देन 24.95% हूँ ऑक्सीजन बा आम 20 आप जेनरली 21% पाखापाखि लिखा है 24 दे आप अप्रोक्सीमेटली जानते पाखापाखि यहाँ हूँ अप्रोक्सीमेट वैल्यू ना। सो आम कहीपर अप्रोक्सीमेटली यहाँ मैंने आपर पॉइंट समथिंग पड़ो। सो आम इजिली कहींपर यहाँ आकुरेट के आपत जगह आप 21% लिखा जाए 24 एट दे। सो आप मन रखिए पाखापाखि 21 आप 24 भितर ऑक्सीजन परसेंट। देन आपर आर्गन परसेंट अच्छी 0.93%। देन 0.04% अच्छी कार्बन डाइऑक्साइड। देन आपर वाटर वेपर प्रेजेंट रोचे। देन आप क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कौन दा हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर प्रेजेंट इन 64 grams ऑफ ऑक्सीजन। 64 grams ऑक्सीजन ने केते नंबर ऑफ मोल ऑक्सीजन अच्छा आम कमी जाना इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लिखि दिंतु। सो आप इंपोर्टेंट क्वेश्चन 64 grams ऑक्सीजन रे केते मोल आप पचार। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गोटे कथा जानतु वन मोल आम जो मोल कनसेप्ट पढ़ी थे मोल कनसेप्ट आम डिटेल्सली क्वेश्चन गुड़ा करे डिटेल्सली जब आप मोल कनसेप्ट देखी ना सो चैनल पर दुटा वीडियो अपलोड अच्छे आप रिसेंट प्लेलीस्ट जो आप CHT आउ OST 2022 ना अच्छी। सो से प्लेलीस्ट विजिट करेंगे आप दुटा न्यू वीडियो पाइबे जोटा कि आप मोल कनसेप्ट आर थ्योरी रिलेटेड। सो देखो वन मोल जी आम पढ़े कौन ना वन मोल हूँ अवोगाड्रोस नंबर बा एन ए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल
आटम और आयन जानचु एक मोल बा वन मोल होची वन मोल होची आपणकर केते ना आपणकर जोडा होची मॉलिक्युलर मास ऑफ द एलिमेंट मॉलिक्युलर मास ऑफ मॉलिक्युलर मास इन ग्राम सो हम कहि परे एक मोल ऑफ ऑक्सीजन मींस एक मोल ऑक्सीजन मींस ता मॉलिक्युलर मास केते ऑक्सीजन जनरली आपण जानचो गैसियस माने डायटिंग मॉलिक्युलर हिसाब रे ओ2 ऑक्सीजन न होले एटॉमिक मास 16 ऑक्सीजन ओ2 हे गेले 16 दिन 32 हे जीवो जानचंती एटा समस्त सो आपणर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कहि परबा सो आमे एटु कोन पाले ना 32 ग्राम ऑक्सीजन जे आपणकर एक मोल तो आपणकर एक ग्राम हे जीवो केते एक ग्राम हे जीवो सो आम देख 32 ग्राम होते मोल ना एक मोल 32 ग्राम हूँ एक मोल सो आपन को देते मोल कर केते ग्राम ना 64 ग्राम ऑक्सीजन जे केते मोल सो आप 32 ग्राम जदि हूँ एक मोल 64 ग्राम के आपणकर एक डिवाइडेड बाय 32 गुणन 64 सो 32 रे गले 32 दुनिया 64 सो 64 ग्राम जी 2 मोल केते मोल 2 मोल सो को ऑप्शन अछि सो आपन देखन 2 मोल ऑप्शन बी रे अछि सो ऑप्शन बी आपन रे जइबो राइट आंसर जदि मु आपन को एठी मोल रो डेफिनेशन कथा कहे सो आमे नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फार्मूला मन रखंतु नंबर ऑफ मोल सो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करियार फार्मूला ला गिवन मास कोन गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर मास सब बोल आपन को कैमरा आसीबो बोथ आपन मोल कांसेप्ट आ आपन गैसियस स्टेट रो पार्ट रे बोथ आपन ए फार्मूला आपन कैमरा आसीबो मन रहबो देन अवोगाड्रोस नंबर जोटा रहला एनए एनए रो वैल्यू आपन जानि थंतु सो नंबर ऑफ मोल हला आमे कागो कैलकुलेट करू ना केते क्वांटिटी ऑफ एटम अछंदी सो आमे तको नंबर ऑफ मोल यूनिट रे कैलकुलेट करू देन एनए आपन जदि एनए रो वैल्यू कथा मु आपन रिमाइंड करे 0.622 बा 623 लेखा होय 622 इन 10^23 नंबर ऑफ एटम सो एटा मन रखिबे एटा मॉलिक्यूल हे परे आयन हे परे एटम हे परे मन रहबो देन नेक्स्ट को आसंतु नेक्स्ट आपन को देला एट एसटीपी कंडीशन हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ गैस ऑक्युपाइज सो आपन को पचार जी एसटीपी मीन्स कौन ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेसर रे सो आप जानते स्टैंडर्ड टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेसर टेम्परेचर है जीवो के देना 273 केल्विन समस्त जानते सो आपणकर पचार जो आप एसटीपी कंडीशन रहा एसटीपी कंडीशन ने एक मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस केते सो आप गोटे जिनस मन रखे एक मोल ऑफ एनी सब्सटेंस हूँ कौन ना एनए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जदि एक मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस आपन कहला से लिटर रे आसीबो कौन ना लिटर रे आसीबो सो आपन मन रखिबे इट जनरली डायरेक्टली मन रखिबे एक मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस आपन जनरली केते हबो एक मोल ऑफ गैसियस सब्सटेंस होची 22.4 लिटर जदि आपन को लिटर रे पछर थिवो सो एक मोल आपन करिबे लिटर रे होची 22.4 लिटर मन रहबो सो 1 मोल होची 22.4 लिटर जनरली आपन मन रखिबे सो एटा राइट आंसर हिजबो 22.4 लिटर ऑप्शन ए हिजबार करेक्ट सो पछर थिला आ एसटीपी कंडीशन हाउ मच वॉल्यूम डज 1 मोल ऑफ ए गैस कंप्राइज ऑफ माने एक मोल जे केते वॉल्यूम आपन पछर छि एक मोल सो हम जदि वॉल्यूम देखिबा आपन वॉल्यूम रे पचार छी बा आपन वॉल्यूम मींस लीटर रे पचार छी सो लीटर रे कले सो आपन जनरली करिवे 22.4 लीटर मन रहबो एटा सो राइट आंसर को हबो ए ऑप्शन जानि होची देन नेक्स्ट आपन को देला देखंतु सो देखंतु आपन को जो एसटीपी दे छी सो आपन रे एसटीपी हला केते ना आपन को 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर आ आपन रे टेंपरेचर हला 0 डिग्री सेल्सियस बा आपन कहि परे 273 केल्विन कहि परबे ना ने देन नेक्स्ट आपन जो प्रेशर टा आपन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आमे देखथिबे केतेले आमे एमएमएचजी रे मध्ये लिखा जाय एमएमएचजी मींस आपन एमएम मर्क्यूरी रे मध्ये लिखा जाय सो एमएम मर्क्यूरी हले 6 एमएमएचजी होची एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर सो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जे 6 एमएमएचजी मन रहबो देन नेक्स्ट आपन को पई रहला द क्वेश्चन नंबर 6 एट कांस्टेंट टेंपरेचर द प्रेशर ऑफ ए गैस इज गिवन एज 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 5 लीटर सो आपणकर जो प्रेशर और वॉल्यूम दे दीची 5 आपणकर प्रेशर दे दीची 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉल्यूम दे दीची 5 लीटर देन व्हेन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंक्रीज टू 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द गैस सो सिंपल आपण को बुझार छी ना वॉल्यूम बुझार छी सो देखंतु ए जो टाइप रो क्वेश्चन आपण को आसे क्वेश्चन आपण रो केउठार जाय ना क्वेश्चन आपण गोटिए पार्ट बुझिबे जनरली आपण करि परिबे सो गोटे पार्ट कोड थाय देखंतु भलो से देखंतु सो क्वेश्चन को देखंतु आपण को एति कि आपके फर्स्ट ऑफ ऑल एति जदि क्वेश्चन आपण को देई छी सो ए क्वेश्चन आपण को पार्ट को देखिबे ना पार्ट को देखिबे देखंतु एटा
सो पार्ट एटी कही ये आपर क्वेश्चन आपे आपे सल्व हो जाए क्वेश्चन आपे आपे केमी सल्व होना आठ कन्स्टांट टेम्परेचर कहीदेला मैंने आपण मन को आसी जाऊ बॉयल्स लॉ कारण बॉयल्स लॉ रो थ्योरी क्लास आम पढ़ी सारे सो बॉयल्स लॉ कहला आठ कन्स्टांट टेम्परेचर मैंने आठ कन्स्टांट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ डेफिनेट मास ऑफ एनी गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर सो आम जब कह इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर जदि मैथमेटिकली कह आपणकर P1 by P1 V1 equal to P2 V2 पढ़ीचे ना नहीं सो आपणकर क्वेश्चन आपणकर फॉर्मूला पाइगले पूर्द फॉर्मूला गेट द आंसर सब वैल्यू आपको देखिए सो खाली फॉर्मूला पुट करिवे आंसर पाइबा सो देखंतु प्रेशर आपको दे देछि P1 दे देछि 1 देन वॉल्यूम दे देछि V1 आपणको दे देछि 5 देन आपणको एटमॉस्फेयर प्रेशर दे देछि P2 केते दे देछि 2 दे देछि देन आपणको V2 पचार सेकंड वॉल्यूम पचार जे सो P1 V1 सो 1 × 5 इक्वल टू P2 V2 P2 हला 2 V2 आपणको पचार जे सो आपण रेउट V2 पाइ जेबे 5 एटा एपाके गुणाइथिला एपा कहले हराइ जेबो सो 5 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल 2 रे करले 2 दिने 4 आउर हला 2.5 केते हबो सो 2.5 सो को ऑप्शन आछ 2.5 सो ऑप्शन नंबर डी रे आछ 2.5 सो ऑप्शन नंबर डी हे जेबो आपणर करेक्ट मन रहइबो देन नेक्स्ट आपणको देला जो व्हाट इज द शेप ऑफ द ग्राफ दैट इज शोन बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम सो प्रेशर और वॉल्यूम भितर जो ग्राफ आपन रहला सो सेटा आपन के टाइप रो ग्राफ आसीबो सो मन रखिबे एटा आपन जनरली बॉयल्स लॉ को आपन रिलेट करी कहि सो आमे जो देखिबा प्रेशर और वॉल्यूम सो आपन कोन होतला इनवर्सली प्रोपोर्शनल होला इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सो दुईटार मीनिंग आपन कोन जानचंदी सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मीन करे कि आमर जदि वॉल्यूम टा को आमे जदि बढेबा ताले प्रेशर आपन कोन होबना कमीबो जदि प्रेशर को आम बढ़ेगा वॉल्यूमटा कम ना कम सो गोटा को बढ़े आउटा कम आउटा को बढ़े आउटा कम सो यहाँ हूँ तार जनरल फंडा सो यहाँ है आपंकर कौन ना अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ सो आम जब देखा सो प्रेशर और वॉल्यूम भितर ग्राफ केमी हम ना गोटे हाइपरबोला भाया हम कमी हम हाइपरबोला मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन सो हाइपरबोला भाया ग्राफ्टा हम सो राइट आंसर होगा डी ऑप्शन देन नेक्स्ट आपको व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ दैट इज ड्रॉन व्हेन द टेम्परेचर इज केप्ट कन्स्टांट टेम्परेचर जितने केप्ट मैंने आपको पचार व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्राफ दैट इज ड्रॉन व्हेन टेम्परेचर इज केप्ट कन्स्टांट पचार देखिए आपको ऑप्शन आइसोथर्म आइसोकोरिक आइसोबार देन आइसोकोरिक आइसोबार दे सो सिंपल देखो ये सिंपल आपको कही कौन ना के टाइप ग्राफ हम सो ग्राफ हम जे आपको दे दीजिए ऑप्शन देखते कौन दे आइसोथर्म हम ना आइसोकोरिक ना आइसोबारिक ना आपंकर कौन हम ना आपंकर ऑप्शन डी देला कौन ना आइसोबार सो देखो ये जो आपको देखिए टेम्परेचर इज केप्ट कन्स्टांट फास्ट अफ अल यहीटा को देखिए आंसर आपर आपे आपे आसो टेम्परेचर इज केप्ट कन्स्टांट मीन सो आपर टेम्परेचरटा से सिस्टम कन्स्टांट थी टेम्परेचरटा कौन थी टेम्परेचरटा से सिस्टम कन्स्टांट थी टेम्परेचर कन्स्टांट मीन ये जो आपर हो आइसोथर्म सो आप ना रू हिं जापर थर्म मीन होपर हिट थर्म मीन हो कौन ना हिट बा टेम्परेचर सो आइसो मीन आइसो हूँ आपर कन्स्टांट आइसो मान हूँ कन्स्टांट आज थर्म रहा थर्म मान टेम्परेचर बा हिट सो आपड़ी देखिए कन्स्टांट टेम्परेचर मीनस आइसो थर्म आइसो थर्माल प्रोसेस आइसो थर्म मन रहे नेक्स्ट क्वेश्चन को आसवा नेक्स्ट आपको देला क्वेश्चन नंबर आप 9 देयर इज ए बॉल दैट विल ब्रस्ट इफ द प्रेसर एक्सीड 0.12 bar द प्रेशर ऑफ द गैस इज 1 bar एंड द वॉल्यूम इज 2.5 liters व्हाट कैन बी द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द बॉल कैन बी एक्सपांडेड सो आप पचार सो देखो वॉल्यूम पचार जापर ये मैक्सिमम वॉल्यूम के पचार किंतु आपको दे कौन क्वेश्चन ने सो देखो ये देर इज ए बॉल दैट विल ब्रस्ट इफ द प्रेशर एक्सीड 0.12 जदि आम गोटे इनिशियली प्रेशर सपोज एक नहीं जदि आम से प्रेशर रु अधिका करें 0.12 को एक्सीड कले मैंने एक रु आउ 0.12 बढ़ेदे देन सी ब्रस्ट कर बॉलटा कौन हो ब्रस्ट कर सो आम जी देखिए यहाँ हूँ आप इनिशियल प्रेशर आम 0.2 बढ़े सर 0.12 बढ़े सारापर से आपंकर कौन ना से फाइनाल प्रेशर मन रहे सो आम यहाँ P1 दे दे P1 के ना P1 देखो इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज 1 bar माने आपन को P1 देची 1 देन P2 आपन को दे देची जे एतकी टेम्परेचर एतकी प्रेशर हेले ब्रस्ट कर जीव 0.12 देन आपन को देची वॉल्यूम माने इनिशियल वॉल्यूम देची 2.5 देन कौन पचारि ना फाइनल वॉल्यूम V2 पचारि कौन कौन गिवन अछि P1 P2 V1 V2 सो आमे फार्मूला कौन कहू छी फार्मूला कौन कहू छी सो देखंतु
फर्मूला कौच जे आपंकर प्रेशर आउ वॉल्यूम भितर आमको रिलेशन पचारे आम जानू आपणकर प्रेशर आउ वॉल्यूम जदि गिवन अछि आम गोटे फर्मूला कैलकुलेट कर पारा से आपर बॉयल्स लॉ फर्मूला। बॉयल्स लॉ फर्मूला कौन ना पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू मन अच्छे। सो पी वन वी वन इक्वल टू पी टू वी टू पकेगा जदि पी वन वी वन सो पी वन वी वन हेले एक इंटु दुई पॉइंट फाइव सो एक वन इंटु टू पॉइंट फाइव जे से आम टू पॉइंट फाइव लिखिदे देन पी वन भी वन गला पी टू पी टू भी टू पी टू भी टू जीरो पॉइंट वन टू इंटू भी टू सो भी टू रखिले जीरो पॉइंट वन टू आनी खरीदे। सो आम जब फाइनाल आंसर कथा देखा टू पॉइंट फाइव रे जीरो पॉइंट वन टू हरीदे जितक हम आम फाइनाल आंसर सो आप जीरो पॉइंट वन टू हरीदे टू पॉइंट फाइव आप जीरो पॉइंट थ्री के जीरो पॉइंट थ्री को ऑप्शन अच्छी। सो ऑप्शन नंबर सी रही सो ऑप्शन नंबर सी हो रईट। सो यार केवल फर्मूला पड़ा पी वन भी वन इक्वल टू पी टू वी टू यहाँ आपर पड़ा बॉयल्स लॉ फॉर्मूला। देन नेक्स्ट को आसतु आसाना नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन देला क्वेश्चन नंबर टेन हाउ मच डज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इनक्रीज इफ वी इनक्रीज द टेम्परेचर बाय वन डिग्री। सो आपको क्वेश्चन कहला जे जदि आम टेम्परेचर को वन डिग्री बढ़ेदे टेम्परेचर को वन डिग्री बढ़ेदे देन आपर जो वॉल्यूमटा रहा सो सेटा आपर के इनक्रीज कर। सो आपको पचार एटा आप देखो ये डायरेक्टली आपंकर गोटे आपर कौन दे गोटे लॉटा कही सोटा क्यों लॉ सो एटा हूँ आपर चार्ल्स लॉ एटा हूँ क्यों लॉ एटा हूँ चार्ल्स लॉ। सो चार्ल्स लॉ कौन कही सो देखो सो चार्ल्स लॉ कही अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ द वॉल्यूम ऑफ द फिक्स्ड गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस सो दे आर बाय रिप्रेजेंट दिस वी टी इक्वल टू वी जीरो होल इंटू वन प्लस टी बाय दुई तेस्तरी। सो आपर एटा डायरेक्टली आपर चार्ल्स लॉ कहला चार्ल्स लॉ आप जानते आपंकर कौन प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूमटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर को। सो आ राइट आंसर जब आम देखा सो आम जदि टेम्परेचर को एक डिग्री बढ़ाऊे सो आम मस्ट कौन करवा उचित ना वॉल्यूमटा को वॉल्यूम हाउ मच डज द वॉल्यूम ऑफ द गैस इनक्रीज सो मन रखिए वन बाय दुई तेस्तरी ऑफ द ओरिजिनल वॉल्यूम ऑफ द गैस। सो राइट आंसर है बी ऑप्शन एटा डायरेक्टली आपर रूलटा। देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपको देला देयर इज ए बेलून फिल्ड विथ ए गैस एट 26 डिग्री सेंटीग्रेड सो एंड हाज ए वॉल्यूम ऑफ अबाउट 2 लीटर व्हेन द बेलून इज टेकन टू ए प्लेस व्हिच इज एट 39 डिग्री सेंटीग्रेड सो व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द गैस दैट इज इन साइड दि बेलून। सो आपको पचार सो वॉल्यूम इन साइड दि बेलून के सो आपको इनिशियली कौन दे सो इनिशियली आपको दे सो आपर वॉल्यूम मैंने आपंकर जो बेलूनटा सो बेलूनटार आपर फिल्ड है जो आपंकर कौन ना केते टेम्परेचर आपर के मैंने आपर वॉल्यूम फिल्ड है केते टेम्परेचर केते वॉल्यूम फिल्ड है सो इनिशियली जदि आम देखा 26 डिग्री सेंटीग्रेड रे 2 लीटर वॉल्यूम फिलअप होती। सो आम फर्स्ट ऑफ ऑल ये लिखिपर जो आपर वी वन के इनिशियल वॉल्यूम सो इनिशियल वॉल्यूम आपर होगा सो वी वन सो इनिशियल वॉल्यूम होगा के 2 लीटर देन इनिशियल टेम्परेचर टी वन आपर के टी वन हो 26 देन आपको दे 39 जदि आम बेल मैंने आपर टेम्परेचरटा बढ़ी 39 हो गला तो आम कहीपर जो टी टू आपको दे 39 दे आपको फाइनाल वॉल्यूम वी टू पचार। सो आम जानू अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर सो एवं आम कहीपर जो वी वन बाय टी वन इक्वल टू वी टू बाय टी टू आपको वी टू पचार सो टी टू नहीं गुण दिंतु सो आम ओवरअल पाइबा वी वन इंटू टी टू डिवाइडेड बाय टी वन सो वी वन के ना वी वन दे टू टी वन के टी वन दे सॉरी टी टू दे 39 डिवाइडेड बाय टी वन है 26 सो 26 हेल्ले आपड़ दुई काटिले 13 दुने 26 13 काटिले 13 3 39 सो राइट आंसर है 3 लिटर के 3 लिटर सो ऑप्शन नंबर आपर बी रे अच्छी 3 लिटर सो ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट आंसर जानपाले। देन नेक्स्ट को मूव करवा नेक्स्ट क्वेश्चन आप एन आइडियल गैस 10 मोल्स ऑक्युपाइज द वॉल्यूम सो आपंकर आइडियल गैस सो आइडियल गैस सो जदि आम आइडियल गैस कथा कही आइडियल गैस किए ना आइडियल गैस सीए जी आपर आइडियल इक्वेशन को ओबे कर आइडियल इक्वेशन कौन आइडियल गैस इक्वेशन पी भी आपंकर कौन पी भी इक्वल टू एन आर टी एटा हूँ आइडियल गैस इक्वेशन यही रूल को जी आपर ओबे कर सी हूँ आपर आइडियल गैस जापर सो आपर पी भी इक्वल टू एन आर टी देन आम जब देखा देखो एबे जदि आमे देखिबा कौन देखिबा ना आपंकर पचार आइडियल गैस 10 मोल्स ऑक्युपाइज गोटे आइडियल गैस रो 10 मोल ले केते वॉल्यूम अछि हम केम जानिबा सो आमे जानचू एक मोल जे केते वॉल्यूम इन लीटर एक मोल आमे जानचू 22.4 लीटर
22.4 लिटर समस्त जानते देन 10 मोल के 10 मोल सो एक मोल जो 22.4 लिटर है 10 मोल हम 10 × 22.4 जोटा कि आम कह 224 लिटर के 224 लिटर सो ऑप्शन नंबर सी हो करेक्ट आंसर जानी है 224 लिटर हो राइट आंसर ऑप्शन सी देन नेक्स्ट नेक्स्ट आपन को देला जे एट 22 डिग्री सेल्सियस ए गैस कंसिस्ट ऑफ प्रेशर 1.1 बार देन व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ द गैस व्हेन द गैस कंसिस्ट ऑफ 20 आपन को देला गैस कंसिस्ट ऑफ प्रेशर आपन 2.2 बार सो आपन को पचार छी कोन ना आपन को पचार छी व्हाट इज द टेम्परेचर आपन को टेम्परेचर पचार छी सो देइ छी कोन ना हमें जे देखिबा आपन को टेम्परेचर T1 देइ छी 22 देन आपन को प्रेशर P1 देइ छी 1.1 देन आपन को देची प्रेशर P2 देची केते P2 देची आपन को 2.2 देन आपन को T2 पजार छी फाइनल टेम्परेचर सो आपन एडी देखी परथिबे एडी टेम्परेचर आ प्रेशर भीतर रिलेशन पजार छी सो टेम्परेचर आ प्रेशर भीतर रिलेशन के काढिला ना आपन को गेलुसाक्स लॉ काढिला के लॉ काढिला गेलुसाक्स लॉ आमे ऑलरेडी थ्योरी क्लास से पढी छी गेलुसाक्स लॉ कहला कोन ना P1/T1 इक्वल टू P2/T2 एटा हूँ गेलुसाक्स लॉ सो आप गेलुसाक्स लॉ देखते गेलुसाक्स लॉ कहला कौन ना आट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर इज जदि आम वॉल्यूम टाक कांस्टेंट कर दवा प्रेशरटा कौन हो ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हो टेम्परेचर पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी सो आम अदरवाइज कहपर P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2 कहींपर सो एम कौन दे देखु एवं आमको दे P1 P1 के 1.1 P1/P2 P2 के 2.2 इक्वल टू T1 देजी 22 डिवाइडेड बाय T2 आपन को पचार छी सो T2 आपन रे केते हिजबो ना T2 × 1.1 इक्वल टू हिजबो 22 × 2.2 जानियाला सो सिंपल एटा गुणा हे के छी पगवाले हरा हिजबो सो हमें कहि पर जे 22 × 2.2 डिवाइडेड बाय 1.1 सो एटा काटे देबे आपन आंसर आछिबो केते ना ऑप्शन नंबर बी 44 डिग्री सेल्सियस केते आसीबो सो आपन रेटा हिजबो 2 22 करले 22 दुना 44 सो राइट आंसर हिजबो आपन 44 डिग्री सेल्सियस जानि होची सो राइट आंसर गला बी ऑप्शन देन नेक्स्ट सिंपल गेलुसाक्स लॉ पढला जोटि कि आपन को प्रेशर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होची कोन टेंपरेचर को एट कांस्टेंट प्रेशर मन रहबो जोटि कि आपन को कोन आपन को सिंपल एट कांस्टेंट वॉल्यूम सॉरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर एडा होची गेलुसाक्स लॉ देन नेक्स्ट आपको देला व्हाट इज द कांस्टेंट व्हाट इज द कांस्टेंट इन आइडियल गैस इक्वेशन नोन आज सो आप जानते जो आइडियल गैस इक्वेशन आम लिखी थे PV इक्वल टू NRT NRT एन रैल्यू कौन ना एन जदि एक मोल नहीं तो आपर PV इक्वल टू RT हम एन रैल्यू वन पुट करवा कितु आपको पचारो जो आप आइडियल गैस इक्वेशन रहा यहाँ कौन पी हूँ प्रेसर भी कौन ना वॉल्यूम एन कौन नंबर ऑफ मोल आर कौन ना आर हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कौन आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट टी हूँ आप टेम्परेचर सो आर पचारा कौन ना यहाँ हूँ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ऑप्शन ए हो करेक्ट जदि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रे हमें वैल्यू देखा सो देखु यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट वैल्यू है 8.314 kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स सो यहाँ हो राइट आंसर सो यहाँ हूँ आप आर रैल्यू आर मैंने गैस कांस्टेंट रैल्यू देन नेक्स्ट क्वेश्चन आप 15 ए सर्टन गैस ऑक्युपाइज 200 ml ऑफ वॉल्यूम एट 2 बार प्रेशर एट 100 डिग्री केल्विन सो आप हाउ मच वॉल्यूम डज इट ऑक्युपाय एट 5 बार प्रेशर एंड 200 डिग्री केल्विन सो देखु जदि आम देखा ये आपको तीन टा डाटा गिवेन रहा आपको ये टोटल जब ओवरऑल देखिए 5 डाटा गिवेन अच्छी कौन कौन गिवेन अच्छी सो आपको देखिए इनिशियली वॉल्यूम गोटे V1 200 ml देन आपन को गोटे आपर प्रेशर आपन को केते दे प्रेशर ना आपन को P1 दे दे प्रेशर 2 दे देन आपन को टेम्परेचर दे T1 केते दे ना आपन 100 डिग्री केल्विन सो 100 दे देन आपन को आउ कौन दे ना हाउ मच वॉल्यूम डज ऑक्युपाय सो आपन को वॉल्यूम पचार माने V2 पचार देन आपन को P2 दे दे P2 दे दे 5 देन T2 दे दे 200 देन आम कर इजिली कारण आम जो 5 डाटा गिवेन अच्छी सांगसांग आम माइंड को आसो जो एटा हूँ आपर कंबाइंड गैस लॉ एटा की गैस लॉ कंबाइंड गैस लॉ कौन कहला ना आम आफ्टर कंबाइनिंग चार्ल्स लॉ एंड बॉयल्स लॉ वी गेट कंबाइंड गैस लॉ कहला कौन ना P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2 जाचे सो आपन को सिंपल सब वैल्यू दे V2 खाली पचार इजिली कैलकुलेट करेंगे इजिली कैलकुलेट करा सो P1 V1 फर्स्ट पुट कर देखो आप सिंपल कौन करना P1
पी ओन भि ओन बै टी ओन इक्वाल टू पी टू भि टू बै टी टू फर्मुला सिंपल भैल्यू पुट करवा भैल्यू जदि आम देखा देखो आपन को पी ओन के पी ओन देखा 200 देन भि ओन के भि ओन पी ओन देखो के पी ओन आप देखो गिवेन अच्छी दुई पी ओन भि ओन अच्छी 200 पी ओन भि ओन बै टी ओन के ना 100 100 इक्वाल टू पी टू पी टू के पी टू देखो 5 भि टू आपन को पचार टी टू आपन को दे 200 सो आम जब ये काटिद देखो 100 काटिले दुटा शून कटिला देन 5 काटिले 5 चौ 20 40 होगा देन आम ये देखा आप दुई दिन 4 के सो 4 इंटू एटा जो एटा अच्छे आपटा उपर को उठी सो 4 चौ 16 आउ गोटे 0 सो 160 इक्वाल टू भि टू माने आम भल्यूम टू वि टू पाईगले 160 सो राइट आंसर हो 160 ml ऑप्शन नंबर बी जानपारे सिंपल कंबाइन गैस फॉर्मूला पक आंसर पाए देन नेक्स्ट नेक्स्ट आप क्वेश्चन आउट रहा हु गेव द लॉ रिगार्डिंग द पार्शियल प्रेशर सो पार्शियल प्रेशर माने आप टोटल प्रेशरटा हम समेसन ऑफ ऑल जी आप छोट छोट जी आप गैस मानते सेपरेटली थी सो तार समस्त प्रेशर सम करदे गोटे आप प्रेशर टोटल पी टोटल पड़े आसा कही किए ना डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर किए कहते डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सो राइट आंसर हो डाल्टन किए कहते डाल्टन कहते देन नेक्स्ट नेक्स्ट आप देखु पी टोटाल होगा कौन ना जीक आप सम थिला सपोज आप एक दुई तीन चार्टा आप एन नंबर ऑफ गैस थिला सो समस्त प्रेशर मिसेदे आपड़ पी टोटाल जापारे देन दे नेक्स्ट सो ए 600 ml सैंपल ऑफ नाइट्रोजन इज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 77 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट प्रेशर सो हाट इज द फाइनल वैल्यू भि टू पचार क्वेश्चन आप कौटी रहा ना कांस्टेंट प्रेशर सो क्यों लॉ कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट ना आम जानू प्रेशर कांस्टेंट हो चार्ल्स लॉ क्यों लॉ चार्ल्स लॉ चार्ल्स लॉ प्रेशर कांस्टेंट देन वॉल्यूमटा डायरेक्टली पर्सनल टू हो टेम्परेचर सो आम यू कर भि ओन बै टी ओन इक्वाल टू भि टू बै टी टू डायरेक्ट फर्मुला पकई पार सो भि ओन आप 600 टी ओन के टी ओन देर आप 27 इक्वाल टू भि टू केि टू आप पचार टी टू के टी टू दे 27 सो ये आम कौन करवा यो आप जो आप 27 दे 77 दे सो फास्ट अफ अल जो डिग्री सेंटीग्रेड ना तो आम कनवर्ट करदे आपंकर कैलविन ने सो 27 273 एड कर पड़ो सो आप 300 के 300 कैलविन हो देन यहाँ होगा 300 देन एटा हो 77 273 मिसेदे आपर एटा हो ना आप 14 आपर 7 10 7 14 15 देन आप 2 1 3 यहाँ होगा 350 यहाँ होगा 300 सो आम एपरि जे आपन भि ओन बै टी ओन इक्वाल टू भि टू बै टी टू टी टू के 77 है 350 देन आम जब काटवाटे देख दुटा शून गला तीन काटे तीन दुने छ सो 2 × 35 मैं 350 35 दुने 70 आउ गोटे 0 सो 700 हो राइट आंसर ऑप्शन सी जानी हो देन नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्वेश्चन आप क्वेश्चन नंबर 18 कौन दे ना ए 6 लिटर सैंपल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 2 एटमोस्फेरिक प्रेशर कंटेन 5 मोल ऑफ ए गैस 5 मोल सॉरी 0.5 मोल ऑफ ए गैस इफ एडिशनल 0.25 मोल ऑफ गैस एट सेम प्रेशर और टेम्परेचर आर एडेड देन व्हाट इज द फाइनल एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस सो आप भि टू पचार सिंपल अच्छी भि टू पचार क्वेश्चन आपन पई एटा इंपोर्टेंट रहबो कारण एटा आपन अवोगाड्रोस लॉर क्वेश्चन आइजी सो कोन कहि ना क्वेश्चन आपन एटी कहला जे सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर सो आम क्वेश्चन आम जो आप अवोगाड्रोस लॉर पढ़ीचे जे अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल अदरवाइज भि ओन बै एन ओन इक्वाल टू एन आप भि टू बै एन टू पढ़ीचे ना नहीं सो आम जो देखा देखूँ आपणर भि ओन बै भि इनिशियल बै आई इनिशियल एन इनिशियल इक्वल टू भि एफ बै एन एफ यहाँ पढ़ते भि आई हूँ इनिशियल वॉल्यूम देन आपंकर एन आई हूँ इनिशियल नंबर ऑफ मोल देन एन एफ हूँ फाइनल वॉल्यूम एन एफ आप भि एफ हूँ फाइनल वॉल्यूम एन एफ हूँ फाइनल नंबर ऑफ मोल देखो आप कौन दे भि आई देदी ओन दे 6 देन एन ओन दे 0.5 देन आपको जे आपर आउ जो 0.25 ml एड है देन आपर फाइनल वॉल्यूम फाइनल नंबर ऑफ मोल आसो
तो आम कौन करवा सो आम एन एफ बा एन टू लिखिपर सो आम कौन लिखिपर एन टू लिखिपर जे एन ओन प्लस 0.25 माने एन ओन आउ 0.25 मिसले जाए आप एन टू आ जानपारे तो आम कौन करवा आप 0.25 रे आम मिसेद के 0.5 सो मिसेदे आपर के ना आपंकर आस 0.75 के 0.75 आपर आस 0.75 सो एन ओन हो 0.5 एन टू हो 0.75 एबे भि ओन बाय एन ओन इक्वाल टू भि टू बाय एन टू फर्मुला डायरेक्ट पुट करदे सो देखु भि आई बाय एन आई भि ओन बाय एन ओन इक्वाल टू भि टू बाय एन टू अच्छे फर्मुला देन आपंकर कौन दरकार ना फाइनाल वॉल्यूम दरकार मैंने भि टू दरकार सो भि टू होते ना आपंकर भि ओन इन टू एन टू डिवाइडेड बाय एन ओन सो आप भि टू के सरी भि ओन के छाला एन टू के 0.75 होता डिवाइड कर दिखाँ 0.5 सो 0.5 डिवाइड करदे आपर आस 4.0 ऊपरटा आस 4.5 तलटा है 0.5 सो 4.5 0.5 आपर हरीदे 9 लिटर हो रईट आंसर केत लिटर हो 9 लिटर हो रईट आंसर ये आप आभोवाटर स्लो रिलेटेड क्वेश्चन देन आसला क्वेश्चन नंबर 19 हुई इज साइंटिस्ट डिस्कवर्ड द आब्सोल्यूट स्केल ऑफ टेम्परेचर सो आप जो आब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर रहा सो ताक आप केल्विन डिस्कवर करते केल्विन के डिस्कवर करते केल्विन डिस्कवर करते सो राइट आंसर हो केल्विन ऑप्शन सी हो सो आप आब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर आपर आब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर को केल्विन डिस्कवर करते देन आसन क्वेश्चन नंबर 20 सो आट ह्विच टेम्परेचर द रियल गैस बिहेव्स एज एन आइडियल गैस इंपोर्टेंट सो केते टेम्परेचर आम रियल गैसटा आइडियल गैस भाया बिहेव करिवो ना आम जो कौन करवा ना आम टेम्परेचर को जिते हाई करवा माने आम टेम्परेचर बढ़ेदे हाई करदे आउ प्रेशर को कमेदे टेम्परेचर हाई करवा प्रेशर कमेबा बट लो मैंने आप कौन लो प्रेशर आउ हाई टेम्परेचर सो राइट आंसर हो आट लो प्रेशर हाई टेम्परेचर सो बी ऑप्शन हो करेक्ट जानी सो फ्रेंड्स ओवरऑल ये आम 20 इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कशन था जदि आपको वीडियो भल लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें भूलें और पीडीएफ फाइलटा चाहूँ आम टेलीग्राम चैनल जॉइन हो पारे टेलीग्राम चैनल लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दीजिए सो थैंक यू।